गुड मॉर्निंग, ये इन्फॉर्मेशन एक ये कि जो एमनियोसेंटेसिस होता है, एमनियोसेंटेसिस के बाद में जो काफ़ी पेशेंट आते हैं वो उनको ये मालूम नहीं रहता कि एमनियोसेंटेसिस से निकले हुए फ्लूइड में जो पानी निकला उसमें जो बच्चे का डीएनए सेल निकला उससे क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मेन जो मुद्दा है, हम क्यों करते हैं, दो कारण से हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। एक होता है कि यदि डबल मार्कर पॉजिटिव या ट्रिपल मार्कर पॉजिटिव या एंटी स्कैन में प्रॉब्लम, इसमें हमको खोजना रहता है डाउन सिंड्रोम का या फिर एन्यूप्लॉयडी का, जिसमें कि कोई खानदानी रोग नहीं है, केवल वो बच्चे में ही हमको देखना है। इसमें हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं 16 हफ्ते के प्लस में। एक दूसरा होता है जिसमें कि हमको मालूम है कि कौन सा रोग ढूंढना है जो कि खानदान में चल रहा है, जैसे थैलेसीमिया हुआ, सिकल सेल हुआ, लुशन मस्कुलर डिस्ट्रफी हुआ या डिफरेंट एसएमए हुआ, इनको हमें मालूम है कि हमको एमनियोसेंटेसिस के सेल के डीएनए में क्या ढूंढना है। तो इसमें हमें इस जेनेटिक रोग के अलावा ये भी बताना तो ज़रूरी होगा कि जेनेटिक रोग से यदि ये ग्रसित नहीं है, कहीं डाउन सिंड्रोम से ग्रसित तो नहीं है, तो हमको डाउन सिंड्रोम वाला टेस्ट भी लगाना पड़ेगा। केवल डाउन सिंड्रोम देखने से नहीं, सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन डुप्लीकेशन है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, तो सीएमए करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम जो ज़्यादातर करते हैं उसमें हम ट्रिपल मार्कर हाई रिस्क, डबल मार्कर हाई रिस्क या फिर एंटी स्कैन में हाई रिस्क या फिर एनआईपीटी हाई रिस्क में हमने एमनियोसेंटेसिस किया। अब एमनियोसेंटेसिस किया तो एमनियोसेंटेसिस ये बच्चेदानी है, उसके चारों तरफ जो भीतर जो बच्चा है उसके चारों तरफ की जो लिक्विड है, इस लिक्विड में बच्चे के सेल्स गिरते हैं, तो उससे हम बच्चे का सेल, पानी के साथ में हमने इसमें बच्चे के सेल भी आ गए। अब ये जो बच्चे के सेल आए हैं, इसको यदि आप बड़ा करोगे तो इसमें इसका न्यूक्लियस दिखेगा, उसके भीतर उसका डीएनए होगा बच्चे का। इस डीएनए में हमें ये देखना ज़रूरी है कि ट्राइसोमी 21 यानी डाउन सिंड्रोम है कि नहीं। दूसरा, हम जो करते हैं वो क्या क्या करते हैं। एक तो डाउन सिंड्रोम के लिए हम QFPCR या फिर फिश, ये इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसकी रिपोर्ट 5 से 7 दिन में मिल जाती है। दूसरी रिपोर्टिंग करते हैं कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का रिपोर्ट हम अधिकतर देते नहीं हैं, पर हम करते ज़रूर हैं, ये क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के लिए, जैसे ट्रांसलोकेशन हुआ जो कि हमको इसमें नहीं दिखता प्लस, पर प्रॉब्लम यह है कि कैरियोटाइप करने में हमको कम से कम 18 से 20 दिन लग सकते हैं। तीसरा टेस्ट करते हैं जो कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल माइक्रोएरे। अब ये कल ही पेशेंट आया था, हमें जब ये करना होता है तो ये इसका कॉस्ट बढ़ता है, तो वो बोलते हैं हमको ये नहीं कराना है। अब आप इसको यदि नहीं कराते हो तो आप इस डीएनए टेस्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ रहे हो, केवल कीमत रोकने की वजह से, कम करने की वजह से। तो कायदे से कभी भी, ये अमेरिकन सोसाइटी भी बोलती है, ब्रिटिश भी बोलती है, यूरोपियन भी बोलती है, और ये कॉमन सेंस है कि जब भी बच्चे का सेल निकालें किसी भी तरह से, हम यदि कोरियन बायोप्सी से भी निकालें या फिर एमनियोसेंटेसिस से निकालें, उसका हमको डाउन सिंड्रोम का टेस्ट या 5 क्रोमोसोम का, जिसमें हमको 21, 18, 13, एक्स और वाई, इनका गड़बड़ी है कि नहीं, जिनको लेके बच्चे पैदा हो सकते हैं उनमें गड़बड़ी है कि नहीं, उसका जांच आप 5 से 7 दिन में दे दीजिए, जो मेजर कॉमन चीज़ है। बट लोग सोचते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन डुप्लीकेशन जिसमें सीएमए की ज़रूरत होती है, ये डाउन सिंड्रोम से ज़्यादा कॉमन होता है और कई बार ये घातक भी होता है। अब आपने यदि एमनियोसेंटेसिस कराया और केवल हमसे पूछा कि केवल हमको केवल डाउन सिंड्रोम बता दीजिए है कि नहीं या फिर ये बता दीजिए, तो आप इन चीज़ों से दूर हो गए। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम था, वो आपने छोड़ दिया जबकि आपके पास डीएनए रखा हुआ था, केवल कॉस्ट कट करने के चक्कर में। तो मेरा हमेशा ये रहता है कि जब भी हम बच्चे का सेल निकालें और डीएनए उसमें से निकालें, तो ये जो डीएनए की लड़ी है, इस लड़ी को कुदरत
23 चैप्टर में डिवाइड करती है, जब इसका डिवीजन होता है उसको बोलते हैं क्रोमोसोम। एक नंबर से लेके दो नंबर, तीन नंबर, ऐसे 21 नंबर, 22 नंबर और 23वां नंबर सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें जो 13 नंबर का, 18 नंबर का, 21 नंबर का, इसमें गड़बड़ी होने की संभावना, इसलिए पैदा होने का संभावना रहता है, इसलिए हम इनको देखते हैं। अब इनको देखने के लिए हम यदि प्रत्येक चैप्टर को देखने की कोशिश करें तो उसको कैरियोटाइप बोलते हैं। तो क्या हम पूरे डीएनए में इस चैप्टर का, क्योंकि डीएनए में ये सब चिपके हुए हैं, हमको अलग अलग करके जब हम इसका स्टडी करते हैं तो उसको कैरियोटाइप कहते हैं। इन चैप्टर्स को इसमें से अलग अलग करने में 15 दिन लग जाएंगे तो हमारी रिपोर्ट लेट बनेगी। तो क्या हम 13 नंबर चैप्टर का एक पन्ना, 18 नंबर चैप्टर का एक पन्ना, 21 नंबर चैप्टर का एक पन्ना और सेक्स क्रोमोसोम का एक पन्ना, इनका यदि हम इमीडिएट किसी तरीके से पता कर लें कि ये पन्ने एक माँ की तरफ से आता है, एक फादर की तरफ से आता है, मतलब 13 के दो होने चाहिए, 18 के दो होने चाहिए, 21 के दो होने चाहिए और एक्स और वाई एक एक होना चाहिए, और यदि हम सेक्स क्रोमोसोम नहीं देखते हैं पर ये यदि कुछ होता है तो फिर बताते हैं। इसमें यदि 13 के दो होने की बजाय प्लस वन एक हो गया, मतलब 13 के तीन कॉपी हो गई, 18 की तीन कॉपी हो गई या 21 की तीन कॉपी हो गई, तो 21 की तीन कॉपी हो गई तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इनको यदि हम जल्दी बता दें तो पेशेंट का एक राहत ये हो जाएगी कि जो डबल मार्कर पॉजिटिव आया था, हाई रिस्क आया था डाउन के लिए, वो वास्तव में है कि नहीं, और ये रिपोर्ट 99.9% सही रहती है। अब इसको देखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि हम इस पेज का एक ऐसा कलर लगा दें जिसमें हम जब उसको सेल को देखें तो हमको ये सेल माइक्रोस्कोप में दिखे। तो सपोज़ हमने 21 नंबर के क्रोमोसोम को हरा नंबर हरा दिया कलर, तो एक हरा एक हरा, ये दो दिखना चाहिए। ऐसे ही यदि मैंने 13 नंबर को पीला दिया तो हमको दो पीले दिखने चाहिए। ऐसे ही यदि हमने 18 नंबर को ये कलर दिया लाल, तो ये दो दिखने चाहिए। अब यदि ये दो कलर जो 21 नंबर के थे हमको तीन दिखते हैं तो हम इमीडिएटली बता सकते हैं कि इस सेल में 21 नंबर के क्रोमोसोम का चैप्टर तीन बार है, मतलब डाउन सिंड्रोम है। जब ये कलर से करते हैं तो इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, इसको फिश बोलते हैं। बट फिश एक सब्जेक्टिव है, मतलब किसी ने देखा किसी को नहीं दिखा, उससे एक खतरा हो सकता है कि नहीं दिखा, इसलिए कम से कम 20 या 22 50 सेल देखते हैं, इसको बोलते हैं फिश। बट फिश कई बार सब्जेक्टिव होता है, किसी को दिखा किसी को नहीं दिखा और सच में है और नहीं दिखा, तो उससे बचने के लिए अब ये जो 13 नंबर का चैप्टर है, 18 नंबर का चैप्टर है, 21 नंबर का चैप्टर है, उसमें भी डीएनए का जो पार्ट है उस डीएनए के पार्ट को हम फोटोकॉपी कर लें तो हमको दो फोटोकॉपी मिलेंगे हर बार, एक मदर की तरफ से एक फादर की तरफ से। सपोज ये 13 नंबर, ये 18 नंबर, ये 21 नंबर, सपोज इस 21 नंबर में मेरे को एक पीक और एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा पीक कहाँ से आया, तो 21 नंबर का एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया तो आया, ये भी जल्दी हो सकता है। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव फ्लोरेसेंट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, QFPCR। QFPCR आजकल ज़्यादा होता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये मशीन देती है और ये ज़्यादा करेक्ट होती है। बट फिश भी करते हैं जब हमको QFPCR में, यदि मान ली PCR नहीं हो पाया किसी कारण से, तब हम फिश भी कर सकते हैं। तो दोनों का रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है, बट आजकल QFPCR ज़्यादा जल्दी होता है और ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। अब आपने QFPCR करके 5-7 दिन में रिपोर्ट दे दी कि डाउन सिंड्रोम नहीं है, सपोज ओके है, मतलब इट इज नॉर्मल। अब ये जो चैप्टर्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स, मतलब ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, ऐसे करके टोटल 23 चैप्टर हैं। एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है, तो ये मदर से आया, ये फादर से आया, हमको 23 मदर से 23 फादर से, मतलब 46 चैप्टर्स मिलते हैं।
अब आप देखेंगे कि एक नंबर की दो कॉपी आती है, दो नंबर की भी दो कॉपी, हर की एक एक कॉपी दो दो कॉपी आती है। वन कॉपी इज फ्रॉम मदर, वन कॉपी इज फ्रॉम फादर। इसमें कोई यदि एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई 21 नंबर की, वो हमने पकड़ लिया QFPCR से, तो उसको बोलते हैं पूरा का पूरा चैप्टर का डिफेक्ट, क्रोमोजोम का डिफेक्ट। अब किसी भी क्रोमोजोम में जब आप इसको और बड़ा करोगे, हम मान लो दो नंबर को कर रहे हैं, तो दो नंबर का DNA हमको ऐसा दिखेगा, तो एक मदर की तरफ से आया, एक फादर की तरफ से आया। अब इसको भी यदि आप बड़ा करोगे तो इसके भीतर बहुत सारे काम करने वाले जीन रहेंगे जो कि आपके प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन एंजाइम, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, तो ये भी दो दो कॉपी में होगा। सपोज इतना जगह यदि मिसिंग है इसी चैप्टर में, तो आपको पूरा चैप्टर जब आप देखोगे तो आपको ये मिसिंग एरिया नहीं दिखेगा, क्योंकि बाकी तो है, तो पूरी चैप्टर दिखेगा, भीतर का पन्ना नहीं दिखेगा, पेज नहीं दिखेगा, पर ये पेज गायब है। सपोज ये पेज कोई ऐसा प्रोटीन बनाता है जिससे आपका नर्वस सिस्टम चलता है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चलता है, आपका ब्लड का सिस्टम चलता है, आपका किडनी का सिस्टम चलता है, आपका लीवर का सिस्टम चलता है, तो कई बार ये कॉपी यदि गायब हो गई तो ये कॉपी इसको संभाल नहीं पाती। इसको यदि आपने नहीं देखा तो पूरा चैप्टर तो दोनों कॉपी है, पर चैप्टर के भीतर का जो पेज गायब है जिसके कारण किडनी का या नर्व का या किसी मसल का कोई प्रोटीन नहीं बन पा रहा और कमी पड़ गई, तो ये बच्चा बीमार होगा। डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, पर नर्व की बीमारी होगी, मसल की बीमारी होगी, किडनी की बीमारी हो सकती है। तो इसको जो दो कॉपी होती है, यदि ये दो कॉपी में कोई एक्स्ट्रा आ गया या एक खराब हो गया या मिस हो गया, तो उसको बोलते हैं कॉपी नंबर वेरिएशन। ये चीज आप QFPCR से या फिर कैरियोटाइप से नहीं पकड़ सकते, ये केवल माइक्रो एरे से पकड़ सकते। माइक्रो एरे का जो प्रॉब्लम है इस तरीके का डिजीज़ का, यदि डाउन सिंड्रोम का पॉपुलेशन में 400 बच्चे में एक है, एक सामान्य भाषा, तो जो CMA में ये वाले प्रॉब्लम्स हैं ये 100 में एक है, 100 में एक या फिर 107 में एक। मतलब आप सोच लीजिए कि डाउन सिंड्रोम से ज़्यादा कॉमन CMA है, माइक्रो एरे के डिलीशन डुप्लीकेशन है, कॉपी नंबर वेरिएशन है। इसको बोलते हैं माइक्रो डिलीशन एंड डुप्लीकेशन, और चूंकि कॉपी नंबर दो होते हैं तो उसमें कॉपी नंबर वेरिएशन हो गया, इसलिए इसको CNV भी बोलते हैं। अब ये CNV कौन सी जगह का है वो इंटरप्रेट करना भी जरूरी है। अब आपने एमनियोसेंटेसिस कराया और केवल QFPCR और कैरियोटाइप, चलिए कैरियोटाइप भी करा लिया, पर कैरियोटाइप में चैप्टर के भीतर का जांच नहीं कराया, तो डाउन सिंड्रोम तो नॉर्मल आ गया। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि डाउन सिंड्रोम नहीं है बट बच्चे में गंभीर बीमारी का खतरा है, बिकॉज देयर इज ए कॉपी नंबर वेरिएशन। ये केवल और केवल माइक्रो एरे से पकड़ में आता है। इसलिए इंटरनेशनली कभी भी यदि आप कभी भी बच्चे का DNA निकालते हैं, जैसे कोरियन बायोप्सी से निकालते हैं या फिर ज़्यादा कॉमनली हम एमनियोसेंटेसिस में निकालते हैं, यदि बच्चे का ब्लड भी निकालते हैं, फीटल ब्लड, और आप उसका टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको डाउन सिंड्रोम का QFPCR या फिश कैरियोटाइप, जिसको KTV बोलते हैं, और साथ में माइक्रो एरे जरूर करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो एरे वाली बीमारी डाउन सिंड्रोम की बीमारी जैसे ही घातक हो सकती है और उससे ज़्यादा कॉमन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड है और ऐसा ही करना चाहिए। देवेन जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो और पूछो। नो सर, वेल एक्सप्लेन्ड। तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जो कि देवेन जी को बार बार ये फेस करना पड़ता है कि आप एमनियोसेंटेसिस में इतने टेस्ट क्यों करते हैं, हमें इतने टेस्ट नहीं कराना है। तो मेरा एक स्टैंडर्ड है कि हम उतने में ही करें, बट यदि पेशेंट राजी ही ना हो तो हम फिर रिफ्यूज़ लिख सकते हैं उनकी जवाबदारी पर। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।